सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिनमें हम देखते हैं कि जिम में वर्कआउट करते करते किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को डांस करते हुए हार्ट अटैक आ गया, कोई खड़े खड़े गिर गया। आप हमें ये समझाइए कि किन गलतियों को करने से हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। जी, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मॉडरेट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ध्यान दीजिए, मॉडरेट एंड रेगुलर। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और रेगुलर मतलब जिसे आप हमेशा कर सकें या करते रहे, सडनली ना करें। तो मॉडरेट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज हार्ट की सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में हार्ट अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट और बॉडी में जो एक हार्मोन होता है एड्रीनलिन, उसका लेवल भी बढ़ जाता है जी। इसके चलते हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो सकती है, गड़बड़ा सकती है जी। और हार्ट अटैक आए बिना भी हार्ट अरेस्ट हो सकता है जी। तो जो लोग सडनली एक सेडेंटरी या एक लेजी या एक आलसी लाइफस्टाइल से एक्टिव एक्सरसाइज या जिम की शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशली अगर उनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है जी। तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो स्लोली और ट्रेनर की निरीक्षण में ही यह कार्य करें। अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है जी। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज करते समय चेस्ट पेन, चेस्ट में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट, लाइट हेडेडनेस या डिजीनेस एक्सेट्रा ना हो। जो भी जिम आप ज्वाइन करें उसमें AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की सुविधा मौजूद हो। एक CPR एक्सपर्ट ट्रेनर भी अगर जिम में है तो बहुत अच्छा है, जो कि हार्ट अरेस्ट के समय इमीडिएट तुरंत ही कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन देकर जान बचाने में सक्षम हो। जी डॉक्टर, एक सवाल और है मेरा। अभी काफी दर्शक देख रहे होंगे और वो भी देख रहे होंगे जिनको हार्ट अटैक का कभी मतलब खतरा हुआ हो, तो उनके लिए ये कि अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो क्या स्मोकिंग उनके लिए जानलेवा हो सकती है, क्या स्मोकिंग रोकनी पड़ सकती है उनको? जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत गंभीर विषय है ये स्मोकिंग जी। तो मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि स्मोकिंग एक हार्ट अटैक के मेजर रिस्क फैक्टर्स में से एक है। तो अगर आपको हार्ट डिजीज है या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज रही है जी। तो स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करने में बहुत दूर तक जाती है। अगर आप स्मोकिंग बंद कर देंगे तभी आपके हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है। डॉक्टर, आखिर दिल का मामला जिंदगी से जुड़ा है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो समझो सांसें ही थम गई। डॉक्टर, आखिर क्या हार्ट अटैक आने से पहले हमारे शरीर में कुछ विशेष लक्षण दिखते हैं जिससे कि रोगी को या फिर उसके परिजनों को ये पता चल सके कि हार्ट अटैक आ सकता है? जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को एक्सर्शन करने पर, फिजिकल एक्सर्शन करने पर या खाना खाने के तुरंत बाद चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट हो या छाती में जलन हो, और ये दर्द या जलन गर्दन में, पीछे पीठ में या बाएं हाथ में जा रहा है तो उसको सावधान हो जाना चाहिए। ये लक्षण हार्ट अटैक के प्रेसिपिटेटिंग फीचर्स हो सकते हैं, तो ये इन लक्षणों के बाद हो सकता है ये लक्षण हार्ट अटैक में तब्दील भी हो जाए जी। तो ऐसे पेशेंट को, मरीज को अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए जी। और ये पूछना चाहिए क्या ये लक्षण आगे चलकर हार्ट अटैक में तब्दील तो नहीं हो जाएंगे जी। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज है, स्मोकिंग करते हैं, या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि उनकी फैमिली में उनके पिताजी को, चाचा जी को या दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है जी। तो उन लोगों को भी नियमित तौर से अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए जी। अपनी एक्सरसाइज रेजीम, मैं क्या एक्सरसाइज करना चाहता हूँ उसके बारे में एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तभी ये कारगर सिद्ध होगी जी।